माय यूट्यूब चैनल मॉम ज्ञान। मॉम ज्ञान में मैं सपनदीप आज फिर आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। आप में से बहुत ही मॉम्स ने, बहुत सारी मॉम्स ने डीएम्स किए थे मुझे इंस्टाग्राम पे कि बताइए सर्दियों में अपने बच्चों को हम सर्दी से कैसे बचाएं, कफ, कोल्ड, छाती, जाम और बुखार, इससे कैसे बचाएं। तो आज मैं वो नुस्खा आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो मेरी दादी माँ ने हमें मुझे सिखाया जब मेरे बच्चे छोटे थे और जिसकी वजह से मैं अपने बच्चों को सर्दियों में प्रोटेक्टेड रख पाती हूँ। सो आज मैं वो नुस्खा आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो ये वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि आज इस वीडियो में हम नुस्खे के साथ उन कुछ टिप्स की बात भी करेंगे जिनसे बच्चे सर्दी से जल्दी फाइट करते हैं या अगर कफ जम गई हो तो वो जल्दी निकल जाती है, मेल्ट हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब बात आती है सर्दियों की, हमारे देश में दो प्रकार के रीजन है। नॉर्थ रीजन जहाँ पे बहुत ठंडी होती है, 10 डिग्री से भी कम डिग्री टेम्परेचर, और साउथ या वेस्ट जहाँ पे सर्दी सिर्फ मीठी मीठी होती है, ज्यादा ठंड नहीं पड़ती, जहाँ पे 10 से 20 डिग्री की टेम्परेचर में ठंड रहती है। अब जो मैं बात करने जा रही हूँ वह स्पेशली नवजात शिशु से लेकर 2.5 से 3 साल तक के बच्चों के लिए है। अगर आपके बच्चों की ये पहली सर्दी है, नवजात शिशु है, पहली सर्दी है, या आपके रीजन में कड़कती ठंड पड़ती है और आप चाहते हैं कि ठंड में आपके बच्चे प्रोटेक्टेड रह सके, उन्हें सर्दी जुकाम खांसी ना हो, तो यह नुस्खा आपको आजमाना है। करना यूं है दोस्तों कि आपको थोड़ा सा सरसों का तेल, मैं कहूंगी कि आधी कटोरी सरसों का तेल ले लीजिए, राई का तेल, वो तासीर में गर्म होता है तो इसीलिए हम ये तेल यूज कर रहे हैं। अगर आपके यहाँ पे सरसों का तेल अवेलेबल नहीं है तो आप सेसमे ऑयल यानी तिल का तेल यूज कर सकते हैं, अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो आप बादाम का तेल यूज कर सकते हैं। यह तीनों ही तेल गर्म तासीर के हैं और बच्चे को गर्माइश देने के लिए अच्छे हैं। तो अब करना यूं है कि आधी कटोरी सरसों के तेल में आपको लहसुन की 5 से 7 कलियों को कूट के या काट के डाल देना है। उसके बाद आपको 1 चम्मच पूरी अजवाइन डालनी है। अजवाइन और लहसुन की उन कलियों को तेल के अंदर सिम पर यानी धीमी आंच पर उबलने देना है। अगर यहाँ आप आंच तेज करेंगे ना दोस्तों तो तेल जल जाएगा और उसका कोई गुण नहीं मिलेगा, लेकिन धीमी आंच पर पकाया हुआ तेल रस भी ले जाएगा और बच्चे को उस तेल में डाले सामान का फायदा भी होगा, यानी लहसुन और अजवाइन के गुण भी मिले। आप यहाँ पर वीडियो में देख पा रहे होंगे कि कैसे लहसुन की कलियों को और अजवाइन को हमने सिम पे बॉईल किया है और कैसे वो उबल रही हैं। ऐसा हमें कम से कम 5 मिनट तक होने देना है सिम पे, कम धीमी आंच पे, और जब ऐसा हो जाए उसके बाद आपको गैस को बंद करना है और तेल को 30 मिनट के लिए वैसे ही छोड़ देना है। आपको उसे छानना नहीं है, क्यों? क्योंकि जो सामान हमने डाला है अब वो गर्म है और वो अपना रस छोड़ रहा है, तो हमें तेल को थोड़ा टाइम देना है, आधा घंटा उसको आपको छोड़ देना है। अब जब आप उसको छानेंगे दोस्तों, छानने के बाद वो तेल हल्का गुनगुना करके आप अपने बच्चे की छाती पे लगाएंगे, जैसा कि आप ये वीडियो में देख रहे हैं। छाती पे लगाकर आपको छाती को एक रुई से कवर करना है, कॉटन फ्लैप से। अब इसमें क्या साइंस है, देखिए दोस्तों, कॉटन बहुत गर्म होती है और जब छाती कफ से जम जाती है तो आपको रुई उस छाती को पिघालने का काम करती है। यही अगर ठंड का मौसम है और आप नहीं चाहते कि बच्चा बीमार पड़े तो आपने अगर वो रुई लगाई है तो वहाँ ठंड सीधे छाती पे नहीं पड़ेगी। उसके साथ साथ एक बात का और ध्यान रखिए कि जो ये रुई का फ्लैप लगाना है आपको, ये रात को लगाना है और सुबह निकाल लेना है। हर रोज रात को सोने से पहले बच्चे को लगाना है और सुबह आपको निकालना है। ऐसा क्यों? क्योंकि सुबह जब सूर्य देवता आ जाते हैं तो मौसम थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है, ठंड जनरली शाम से रात को ही बढ़ती है। बच्चों का जो कफ का टाइम है, अगर आप नोट करेंगे तो बच्चे का खांसी का टाइम भी सुबह प्रभात 4 से 6 का होता है, क्योंकि उस टाइम हमारे शरीर की कफ प्रबल होती है, सबसे ज्यादा होती है, तो हमें उस टाइम पे बच्चों को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। इसके अलावा उस तेल को आप बच्चे की तलियों पे यानी पैरों की तली पे, सोल्स पे भी मालिश कीजिए, उससे उन्हें नींद अच्छी आएगी। और अगर आपके बच्चों को सिर ढक के आप सुलाते हैं तो आप उनके सर पे भी मालिश करके आप कैप पहना के सुला सकते हैं, इससे बच्चा गर्म बना रहेगा। यही तेल आप बच्चों के कानों में बिल्कुल प्यार से लगाना है, टिपकाना नहीं है, सिर्फ हाथ से लगाना है।
अगर आप लगाएंगे तो ठंडी हवा उनके कानों में नहीं जाएगी। तो है ना ये जादुई तेल, इस जादुई तेल को आप जब यूज करेंगे बच्चों के ऊपर तो आपके बच्चे ठंड से बचे रहेंगे, और अगर उनकी कंजेशन से या खांसी से या किसी भी सर्दी के लक्षण से हालत खराब हो रही है तो वो बहुत जल्दी ठीक होंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपने ढेर सारे क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। अगर कुछ प्राइवेट पूछना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी मैंने यहाँ मेंशन की है। मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसी और वीडियोज़ आपके लिए बनाती रहूँ, लेकिन प्लीज़ मुझे बताइए आप किन टॉपिक्स पे वीडियोज़ देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक के लिए गुड बाय।